वो गए हैं आम पार्टी के पास। क्यों गए हैं? इसलिए गए हैं कि वो हमारे से मिलकर हमारी बहुमत हो जाए और नरेंद्र मोदी को उलाट दें। पर ये सोच लीजिए, आम पार्टी वाले भी और नीतीश जी भी सपना में भी नहीं पलट सकते हो मोदी को, कि अगर इनके अंदर क्षमता होती तो यहीं रहते। जब किसी को कष्ट होता है तो दूसरे को मिलाते चलता है, अपने में तो पावर है नहीं। आज जाति पिछड़ी जाति उछड़ी जाति की लोग बातें कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, राहुल जी किस जाति के हैं? मैं ये भी पूछना चाहूँगा। क्यों, मुख्यमंत्री यहाँ पर है तो बिहार में कुछ काम नहीं किए हैं? बिहार के मुख्यमंत्री कहाँ से कर लेंगे, उनके पास कहाँ से फंड आएगा भाई? फंड कहाँ से आएगा? फंड तो केंद्र देती है। तो देश के राजनीति में अगला क्या होने वाला? देश के राजनीति में प्रधानमंत्री हमारे रहेंगे रहेंगे रहेंगे। चलो, आप देख रहे हैं नंबर वन डिजिटल न्यूज चैनल TD न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार, आप देख रहे हैं TD न्यूज। अभी हम एक आम जन से मिलते हैं और इनसे, नीतीश कुमार जी दिल्ली गए हैं और साथ ही हमारे जो वर्तमान PM है इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। नमस्कार अंकल। सबसे पहले भारत माता की जय हो। अच्छा, एक बात बताइए, आपके माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए हैं विपक्ष को एकजुट करने के लिए। कोई कहता है कि ये खुद PM के उम्मीदवार हैं, लेकिन इन लोग जदयू के तरफ से ये कहा गया है कि नहीं, अभी हम PM के उम्मीदवार अभी घोषित नहीं हुआ है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो दिल्ली गए हैं इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा बात है कि अगर इनके अंदर क्षमता होती तो यहीं रहते। जब किसी को कष्ट होता है तो दूसरे को मिलाते चलता है, अपने में तो पावर है नहीं। तो इनमें पावर है, तभी तो KCR यहाँ मिलने आए थे। KCR मिलने से क्या हुआ? KCR मिलने से क्या हो जाएगा, देश बदल जाएगा? वो गए हैं आम पार्टी के पास। क्यों गए हैं? इसलिए गए हैं कि वो हमारे से मिलकर हमारी बहुमत हो जाए और नरेंद्र मोदी को उलाट दें। पर ये सोच लीजिए, आम पार्टी वाले भी और नीतीश जी भी सपना में भी नहीं पलट सकते हो मोदी को। मोदी भारत माता के प्राण हैं। पूरे विश्व के अंदर आप लॉकडाउन में दवाई बांटा है और पूरे भारत के अंदर फ्री दवाई दिया। कोई पैदा लिया है दवाई नहीं, वो तो वैक्सीन दिया है ना। वैक्सीन दिया तो आखिर ये लोग कहाँ दिया, ये लोग कहाँ थे? तो केंद्र में तो वो सरकार है तो वही देंगे ना। का मतलब, और उन्होंने जो कार्य किया वो विश्व के सराहनीय कार्य किए गए। क्यों, मुख्यमंत्री यहाँ पर है तो बिहार में कुछ काम नहीं किए हैं? बिहार के मुख्यमंत्री कहाँ से कर लेंगे, उनके पास कहाँ से फंड आएगा भाई? फंड कहाँ से आएगा? फंड तो केंद्र देती है। आपको पिताजी पैसा दिए तब तो पढ़े, तो फंड तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया। लड़का पढ़ के आगे बढ़ता है तो इसमें लड़का का टैलेंट नहीं गिना जाएगा? लड़का पढ़ के आवारा बन जाए तो घर से बाहर नहीं किया जाएगा? हाँ बिल्कुल किया जाएगा। तब वही बात होगी। तो इस पर आपको क्या कहना है? जो दिल्ली गए हैं उनका कुछ नहीं मिलने वाला है, कोई साथ नहीं देने वाला है, जान लो। दुर्योधन के पास बहुत सारे थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, भीष्म पितामह थे, क्या उनके साथ देने से अर्जुन हार गया? नहीं हारा, जीता। अच्छा एक बात बताइए, आज से राहुल गांधी भारत जोड़ो अभियान कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक 3500 किलोमीटर लगभग पैदल चलेंगे, 150 दिन में ये यात्रा पूरी करेंगे पैदल चलकर। 1000 किलोमीटर नहीं, 10000 किलोमीटर चले। ये केंद्र में बैठ गए हैं तो जाति की बात क्यों करते हैं, पहले ये बताओ। कौन जाति की बात करते हैं? विपक्ष तो आरोप लगाता है भाजपा पर। आज जाति पिछड़ी जाति उछड़ी जाति की लोग बातें कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, राहुल जी किस जाति के हैं? मैं ये भी पूछना चाहूँगा। अरे आप पूछ के मेरे को बताओ। क्यों, सब लोग जानता है कि वे लोग ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण कैसे हुए? अब इतिहास इनके पढ़ लो, उन्हीं से पूछ लो, इतिहास बता देंगे। हमसे क्यों पूछ रहे हो, तुम खुद जान रहे हो। ब्राह्मण होकर वेद न जाने शूद्र राज चलाएगा, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। आप खुद जानते हैं।
तो देश के राजनीति में अगला क्या होने वाला है? देश के राजनीति में प्रधानमंत्री हमारे रहेंगे रहेंगे रहेंगे, जान लो। कौन? हमारे मोदी जी रहेंगे। क्यों, मोदी जी जाति पाति नहीं करते हैं? जाति पाति नहीं करते हैं, वो तो कभी नहीं करते हैं। आपने देखा यूपी के अंदर, आप मुस्लिम लोग के अंदर वो छोड़ देते थे, उसको उन्होंने दूर किया, कानून बना करके कहा कि अब छोड़ नहीं सकते हो। तीन तलाक वाला मुद्दा जो तो, तीन तलाक हो आठ तलाक हो, ये थोड़ी है आदमी के कि छोड़ते रहो। और उन्होंने कहा जैसे संस्कृति है हमारी उस तरीके से तुम्हें चलना होगा। तो वहाँ के माताओं ने प्रधानमंत्री को माला पहनाया, तो जाति कहाँ बात की है? उन्होंने मुस्लिम होने के बाद भी उन्होंने मालाएँ पहनाई माताएँ, जाकर पूछ लो और उठा कर रिकॉर्ड देख लो। हमारे प्रधानमंत्री जी जाति की बात नहीं करते। आप ही लोग बोलते हैं कि चाय बेचते हैं, चाय बेचते हैं तो तुम तो चाय डेली पी रहे हो, एक कप चाय कभी बना के दिया है मोदी जी को? नहीं दिया, लेकिन बोलने के लिए हमने हाथ लगा दी, जो कहना है कह लो। लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं जो तुम्हारे कहने से पीछे हटने वाले हैं, वो कमल पर पैर रखे हुए हैं। कमल पर जानते हो गणेश जी बैठते हैं, लक्ष्मी जी बैठती है, सरस्वती जी बैठती है, तो वो कमल में बैठे रहेंगे। कमल को कोई डुबा नहीं सकता, कीचड़ चाहे जितना हो जाए कमल को कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कीचड़ किसको कहना चाह रहे हैं? कीचड़ यही लोग कीचड़ बने हुए हैं। कौन? कभी इधर भागो चूहा की तरह, कभी उधर भागो चूहा की तरह। चूहा इस घर से उस घर में क्या जाता है? इसलिए जाता है उसमें भी बिल करेगा, उसमें भी बिल करेगा, उसमें भी बिल करेगा। ये चूहापंथी नहीं चलेगी आप भारत के अंदर। भारत के अंदर वो भारत है जो विश्व को दिखला रहा है। अभी हमारे समुद्र के अंदर वो जहाज उतरी तो लोग माथा पर हाथ रख लिया। अभी आप देखो पाकिस्तान के अंदर कितनी बाढ़ आई, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने मदद की सांत्वना दी। क्यों दी? वो दुश्मन किसी को नहीं समझते हैं, आप दुश्मन उनको समझते हो। बाप कभी बेटा को दुश्मन नहीं समझता है, लेकिन बेटा बाप को दुश्मन समझ करके गाली भी देता है, हाथ भी छोड़ता है। तो पाकिस्तान हिंदुस्तान का बेटा हुआ? भारत माता है, दुनिया का माँ है। भारत माता दुनिया को दिया है, लिया किसी से नहीं है। चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे चाइना के लोग हों, चाहे जापान के लोग हों। जापान के लोग तो यहाँ आते हैं बिहार के अंदर, प्रणाम करते हैं धरती माता को कि हमारे गुरु महाराज जी बुद्ध भगवान थी, और उन्होंने फ्री इलाज कर रहे हैं, आंखें बना रहे हैं, आप जाके देख लो। वो उनके अंदर दिल है, पर हम लोग भारत के होकर के हम क्या कर रहे हैं, ये सोचने की बात है, ये सोचने की बात। ऐसे भारत देश में रह करके अच्छा तो क्या करना चाहिए ये बताइए? क्या नहीं करना चाहिए? आप लोग अपना काम करो और मोदी जी अपना काम करते रहेंगे। हिलाने वाला कोई नहीं पैदा लिया है धरती पर, बोल दो सबको। धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है ये बुजुर्ग हैं और साथ ही बहुत ही ज्ञान रखते हैं राजनीति से लेकर धर्मशास्त्र की भी। तो इनका कहना है कि कोई कुछ भी कर ले मोदी जी हिलने वाले नहीं हैं। और भारत माता के बारे में इन्होंने यही कहा कि भारत माता सबकी माँ है, ये सबको दिया है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे जापान हो, सबको दिया है।